हेलो, 3 मिनट्स वंडर में मैं विजय गोले सर आपका स्वागत करता हूँ। आज के 3 मिनट्स वंडर में मैं आपको भक्ति कोकाटे की यशो कथा सुनाता हूँ। मखमलाबाद के श्री छत्रपति शिवाजी विद्यालय की विद्यार्थिनी भक्ति संजय कोकाटे ने एसएससी एग्जामिनेशन में 92.40% मार्क्स प्राप्त करके यश संपादन किया है। भक्ति जब 10th में थी, 10वीं में थी, उसी साल जनवरी में उसके पिता की ब्रेन ट्यूमर से मृत्यु हो गई। उनकी फैमिली पे ये बहुत बड़ा आघात था। घर का कर्ता पुरुष उन्होंने खो दिया था और उनका इनकम टोटली बंद हो गया था। ऐसी स्थिति में भी भक्ति ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद को संभाला, अपनी माँ को और अपने भाई को भी उसने सहारा दिया और 10वीं की पढ़ाई में वो लग गई। जनवरी में ये घटना घटी, उसके बाद फरवरी और फिर 1 मार्च से उसकी एग्ज़ाम शुरू हुई। सिर्फ 1 महीने में उसने खुद को संभाल के 10वीं का जो स्टडी था वो मन लगा के किया, दिल लगा के किया। अपने मन पर दुख का बोझ होते हुए भी इस छोटी उम्र की लड़की ने बहुत हिम्मत दिखाई और एसएससी एग्ज़ाम में 92.40% मार्क्स उसने प्राप्त किए। भक्ति की माँ एक छोटे कंपनी में सिलाई का काम करती है, जिससे उन्हें 3,500 रुपये मिलते हैं। लेकिन आज की तारीख में इन पैसों से 3 व्यक्तियों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। भक्ति को किताबें पढ़ने का छंद है। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। वो अपने माँ को हर काम में मदद करती है। घर का सारा काम वही संभालती है, स्टडी भी करती है। किसी भी परिस्थिति की वो कभी शिकायत नहीं करती। जो भी करती है वो हंस के करती है। स्टडी भी हंस के उसने किया और उसमें उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। जो भी सिचुएशन आई उसमें उसने हिम्मत से काम लिया और यश संपादन किया। श्री छत्रपति शिवाजी विद्यालय के टीचर्स ने उसे बहुत हेल्प की। उसकी पिता के उनके लिए आर्थिक मदद भी दी थी, लेकिन उसका कुछ यूज़ न हो सका। भक्ति बचपन से ही होशियार है और उसके टीचर्स को भी ये बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने उसकी तरफ पहले से ही ध्यान दिया। एजुकेशन के बारे में उसे कोई अड़चन उन्होंने आने नहीं दी कभी। सब डिफ़िकल्टीज़ वो तुरंत ही छोड़ देते थे। उससे सहायता करते थे। बुक्स या फीस में जो पैसे लगते थे उसके लिए भी उसके टीचर्स सहायता करते थे। अपने स्कूल के टीचर्स ने जो पढ़ाया उसी का स्टडी करके, उसी का अभ्यास करके, उसी का मन से स्टडी करके भक्ति ने एसएससी एग्जामिनेशन में 92.40% मार्क्स प्राप्त किए हैं। भक्ति की ये स्टोरी सुन के मुझे सचिन तेंदुलकर के जीवन में जो एक घटना घटी उसकी याद आती है। 1999 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप की मैच चल रही थी। उसी वक्त सचिन तेंदुलकर के पिताजी का निधन हुआ था। वो उन्हें बड़ा बहुत गहरा शौक था। वो उसी दिन वो इंडिया में आए। उनके पिता का अंत्य संस्कार उन्होंने किया और फिर उनके घर वालों ने कहा कि अब यहाँ रहने से आप फिर जाइए और मैच मैच में हिस्सा लीजिए। तो दूसरे दिन सचिन फिर इंग्लैंड गए और उन्होंने उस मैच में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया। भक्ति छोटी लड़की है, 15 साल की लड़की है, लेकिन उसकी हिम्मत भी सचिन तेंदुलकर जैसी है, ऐसा मुझे लगता है। पिता के मौत के बाद उसका सदमा तो बहुत गहरा होता है, उसका दुख कितना होता है ये
कोई कह नहीं सकता। लेकिन उस दुख से भी ये लड़की उभर आई, खड़ी हुई, उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरे 1 महीना मेहनत करके, कष्ट करके, स्टडी करके उसने एसएससी एग्ज़ाम में 92.40 मार्क्स प्राप्त किए। किसी के भी मदद के सिवा, घर में उसको सिखाने के लिए, हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, अकेली लड़की, उसने हिम्मत नहीं हारी और इतने मार्क्स प्राप्त किए। भक्ति की ये यशोगाथा आपको भी निश्चित प्रेरणा देगी। आपने भी अगर दिल से ठान लिया आपको कितने मार्क्स चाहिए उसका निश्चय कर लिया, और आज से आपके हाथों में 9 मंथ्स, 270 डेज इंटू 24 आवर्स, इतना समय है। बस इस समय का अच्छा से अच्छा यूज़ कीजिए। अपने पास जो भी संसाधन है उसका यूज़ कीजिए। आपको 92-93 क्या 100% मार्क्स भी डेफिनेटली मिल सकते हैं। सिर्फ आपके पास जो संसाधन है उसी पे ध्यान दीजिए, और आपके पास जो समय है उसकी तो आप कीमत ही नहीं कर सकते। उस समय को मत छोड़िए। आज ही, आज से ही अपना स्टडी शुरू कीजिए और देखिए 1 साल के बाद आपका जो रिजल्ट है वो भी भक्ति से बेहतर जरूर होगा। भक्ति कोकाटे की ये यशोकथा आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक दिस, शेयर दिस एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ये भक्ति की कथा 10th और 12th के स्टूडेंट्स और उनके ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक अगर वायरल होती है तो उनको भी उसका ज़रूर फायदा होगा। इसलिए आप इसमें सहायता कर सकते हैं। और हाँ, एक बात तो आपको बताना मैं भूल ही गया, बेल के आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए।